जाने के बाद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक ओर सीबीआई अतीक के भाई पूर्व विधायक असफ के खिलाफ शहर में मुनादी करवा रही है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस ने भी एक बार फिर अतीक गैंग के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धूमनगंज पुलिस और एसओजी ने अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य और कई मामलों में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी मोहम्मद फैसल उर्फ कालिया को सीएटीसी गेम बहमरोली के पास से उस समय गिरफ्तार कर लिया। ये 30/19 इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसको एक आदमी को ले जाकर के देवरिया जेल में वहाँ पे मारपीट करने की घटना हुई थी और ये काफ़ी दिनों से जो है वांछित चल रहा था, करीब 10 महीने से, और इस पर 25,000 का इनाम इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि ये गिरफ्तारी इसकी हो नहीं पा रही थी और ये भागा हुआ था और न्यायालय में भी हाजिर नहीं हो रहा था। लिहाजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी अभियुक्तों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जो इसके सहअभियुक्त हैं और इस पर भी, और इस तरह से ये कार्रवाई करके माफियाओं के खिलाफ और जो इस तरह से गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने ये इसको अंजाम दिया है और इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम ही पकड़ने के लिए इसका पुरस्कार भी इस टीम को दिया जाएगा। और उसी गैंग में था, इसका अभियोग पंजीकृत है और सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है, इसी प्रकरण में स्थानांतरण हुआ है।